ये राजनीति के धंधे सब तक अंधे, कुआं तेज कुआं मंदे, पर किसानों का टगन के फंदे। जिस पशु का बच्चा मर जाए करता, उसका किसान रख दाब के दूध तरा ले करता, दूध काट ले करता। हम भी सरकार की रख दाब के दूध तराना जाना, एकता करके सारा टोका तरा के छोड़ डांगे। इनका सरकार ने चुका के छोड़ डांगे। सिर्फ मिली पानी की बुछार, लाठी और गोली, किसान ने मिले नहीं आज लोगों कुछ भी। सारे को थाली के चट्टे बट्टे, दिल्ली और चंडीगढ़ बैठे कट्ठे, स्टेज बांध के लावे बट्टे, आपस में इस बोली जनता के घर सी ठट्टे। इनमें कोई दूध का धोया नहीं, ये सारे डाकू हैं, बहुत बड़े बड़े मगर मत हैं, खा गए देश ने लूट का, किसान रह गया आपस में फूट का। इन किसान तो मिला क्या, किसान मजदूर ना, किसान मजदूर तो उड़ता फिर लाग रहा धरती के अंदर, बड़ा बड़ा हन पैदा करया, बड़े बड़े टिब्बे डाले, बड़े बड़े बड़ बिरे बोझरे तोड़े। आज लोगों किसान ने सिर्फ लाठी गोली मिली और मिला कुछ नहीं इसके अंदर, क्यों मारी एकता को नहीं थी, हमारी एकता बनने लगी, इन पर डोका तरा के छोड़ डांगे हम। जय जवान जय किसान। हमारी एकता में बल है, इनकी एकता बड़ी ज्यादा बल कर रहा है मोदी, और मोदी क्या चीज था कल कच्चे पैरे फिरे करता, वोट मांगे करता, आज मारे ऊपर झूठ बोल के सारे वादे करके किसान पे मजदूर पे वोट लेके आज कुर्सी पे मारे सीट अट्ठे करे। धीरे धीरे सिंघू बॉर्डर के तरफ किसान बढ़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर, जिन मांगों के लिए पहले भी धरना एक साल एक महीना चला था, उन्हीं को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर अब किसान दोबारा फिर सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कारण है दोबारा फिर किसानों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। भारत किसानों का देश है, जिस तरीके से कृषि प्रधान देश भारत को बताया जाता है, उस तरीके से किसानों को उनके मुआवजे, उनकी फसलों के दाम नहीं मिले हैं, क्या कारण है दोबारा फिर सिंघू बॉर्डर पर आना पड़ा है किसानों को। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? नाम तो इस परमपिता परमात्मा का बलवान पाई। अच्छा। जिला कैथल हरियाणा। क्या कारण है दोबारा फिर अब किसानों को दोबारा फिर सिंघू बॉर्डर की तरफ रुख करना पड़ा अपना? जो सरकार ने हमारे साथ वादे करे थे, उन वादे में सरकार खरी को नहीं उतरी, न्यू दोबारा हमने सिंघू बॉर्डर की ओर रुख करना पड़ा दोबारा। क्या लगता है, पहले भी उठाकर भेज दिया था, एक साल एक महीना आंदोलन चला और दोबारा फिर आना पड़ा है, क्या कारण है इसके पीछे? लगातार किसान इसी काम पे रहेंगे क्या? ये राजनीति के धंधे सब तक अंधे, कुआं तेज कुआं मंदे, पर किसानों का टगन के फंदे। पहले की तरह दोबारा हम टोका तराण जाना, किसान है जो टोका तराण जाना है, जो पहला टिक्के नहीं थे नहीं पशुओं के लिए, जिस पशु का बच्चा मर जाए करता, उसका किसान रख दाब के दूध तरा ले करता, दूध काट ले करता। हम भी सरकार की रख दाब के दूध तराना जाना, एकता करके सारा टोका तरा के छोड़ डांगे। इनका सरकार ने चुका है के छोड़ डांगे, किसान एकता बनी रहो। आज लोगों कोई भी सरकार बनी, किसानों ने कुछ मिले को नहीं, किसानों ने वो काम करे इस देश खातर, छह छह फुट के सीमा पर लड़ने खातर जवान दे, देश आजाद कराया, बड़े बड़े टिब्बे डाले, बड़े बड़े बण बीड़े बोझड़े तोड़े, इतना अन्न पैदा करया। आज लोगों किसान ने मिला क्या, किसान ने सिर्फ मिली पानी की बुछार, लाठी और गोली, किसान ने मिले नहीं आज लोगों कुछ भी। सारे को थाली के चट्टे बट्टे, दिल्ली और चंडीगढ़ बैठे कट्ठे, स्टेज बांध के लावे बट्टे, आपस में इस बोली जनता के घर सी ठट्टे। इनमें कोई दूध का धोया नहीं, ये सारे डाकू हैं, बहुत बड़े बड़े मगर मत हैं, खा गए देश ने लूट का, किसान रह गया आपस में फूट का। इन किसान तो मिला क्या, किसान मजदूर ना, किसान मजदूर तो उड़ता फिर लाग रहा धरती के अंदर, बड़ा बड़ा हन पैदा करया, बड़े बड़े टिब्बे डाले, बड़े बड़े बड़ बिरे बोझरे तोड़े। आज लोगों किसान ने सिर्फ लाठी गोली मिली और मिला कुछ नहीं इसके अंदर, क्यों मारी एकता को नहीं थी, हमारी एकता बनने लगी, इन पर टोका तरा के छोड़ डांगे हम। जय जवान जय किसान। आपका क्या नाम है जी? महावीर है जी मेरा नाम। महावीर जी, क्या लग रहा है जो आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं, क्या केवल एमएसपी की मांग है, कुछ और भी मांगे हैं? मांग जो भी अपनी मीटिंग तय करेगी वो हमें मंजूर है, जैसे भी भाईचारा इकट्ठा हो रहा है हमारा किसान भाईचारा, जैसा भी हमें आदेश देंगे, आगे बॉर्डरों पे बैठना है वो भी आदेश हमें मंजूर है, जो भी होगा हम बैठ के बातचीत करके किसानों के साथ तभी जाएंगे। अच्छा, पगड़ी बांधने का क्या कारण है, सब ज़्यादातर पगड़ी में आते हैं किसान, या किसानियत का ये निशानी है या कुछ और कारण है? मैं तो मेरी हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए मैं अपना ये वेशभूषा डालता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ अपनी हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने का काम करता हूँ। मैं देख रहा था रास्ते से जब मैं आ रहा था, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ वही उसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रोलियाँ आ रही हैं पंजाब की तरफ से, हरियाणा की तरफ से। तो क्या किसानों ने मूड बना लिया दोबारा फिर पूरे चारों तरफ से दिल्ली को जाम करने का?
नहीं है। नहीं जाम नहीं करेंगे अभी, ऐसा कोई नहीं है। अगर जैसे ही हमारा देश है जो भाई किसानों ने बोला जो मांग है हमारी वो मान लेती है सरकार, भाईचारे के नाते नहीं मानने, जब आंदोलन भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो मीटिंग होगी, जैसा भी आदेश मिलेगा दोबारा फिर बैठ जाएंगे। हम तो विल किसान है जी। ताऊ जी, ताऊ जी क्या लग रहा है अब, जहाँ मानने की नहीं मानने की सरकार? मानने की पहला मनाई, पहला मनाई री मानने की, जो वादे करे थे साल भर हो गए 14 महीने के, वह मनाए के छोटा गए, नहीं मानिया नहीं। जगीर जी से सारा भारत में, सारा भारत का किसान मजदूर दिल्ली के जगीर आ जाएगा, जो वादे नहीं करे ने और करने पड़ेंगे। मारा प्रचार है सारा हिंदुस्तान में, हम प्रचार मंत्री यार प्रचार करांगे, एकता करांगे, किसान मजदूर और गरीब जनता ने लेकर घर घर चल रहे हैं। हमने गरीबों की सदा करी, हमने जो इजलान बढ़ा दिया, या कलम गवर्नमेंट की नीति खराब है, या कलम कर्जे की किसान पर रखाए, या नहीं रह जाएंगे हमें। इन बड़े बड़े मगर बसाना ही काले अंग्रेज जमे नहीं, जो इन सारे ने देख लेंगे। कोई एकता रह जाइए, हमारी एकता में बल है, इनकी एकता बड़ी ज्यादा बल कर रहा है मोदी। और मोदी क्या चीज था, कल कच्चे पैरे फिरे करता, वोट मांगे करता, आज मारे ऊपर झूठ बोल के सारे वादे करके किसान पे मजदूर पे वोट लेकर आज कुर्सी पे मारे सीट अट्ठे करे। किसान क्या है, उग्रवादी बतावा था दिल्ली में, यहाँ अरे भाई किसान जो किसानी करते हैं सभी किसान है, इनमें और कोई पूंजीपति नहीं लड़ता इनमें। इसका लट का क्या होगा ताऊ? लट क्या तला रखा है, क्या का लट? यू ये हमारी संस्कृति है किसान की, ये औजार आयु इसे गल्ला खेती करते आ रहे यार, इसे गल्ला करांगे। है जी, या दुश्मन के लिए भी तैयार है, किसान का इससे प्यार है, हमारा औजार है, और दुश्मन के लिए फिर तैयार है यार। ये अंग्रेज के मारी थी, क्या नाम है जी? अंग्रेज ने कहा था बोले रे डंडा एक निशान दो, कैसे अंग्रेज कहा था, या वह चीज है अंग्रेज इसे ना काट दे जेली ने, डंडा एक था निशान दो। पंजाबी में कहते हैं सड़क, और हिंदी में कहते हैं जेली, या जेली घाट का हम धरती का बीच बता दिया, और मुसल की बंदूक बना दिया, हमारा भाईचारा एक हो जज्बा सरोजन तना दिया। जी मंगा मान लड़ी है सरकार ने, सरकार को बना के जाओगे? बना के जाओगे, मैं गाना सुना था, ये तो जीत के जाओगे या मर के जाओगे? बस जीत के जावा या मर के जाओगे। क्या नाम है जी? कृष्ण है जी। है जी, जिला सिरसा गांव दोतर तहसील रानिया हरियाणा। तो आज क्या लग रहा, सरकार मानेगी नहीं अब की बार? सरकार तो मान लेगी, ना मानेगी तो कितने दिन नहीं मानेगी, पिछली बार भी मान लगी, हमारा 13 महीना धरना था, लेकिन सरकार नहीं पीछे हटी थी कि नरेंद्र मोदी को कह दिया मेरी गलती होगी, मैं किसानों के साथ में छेड़ लूँ, मैं ऐसा मैं किसानों से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मेरी मुड़ के ऐसी गलती नहीं होगी। हेलो, अभी जिस तरीके से किसान जो है अब दिल्ली से की तरफ रुख कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब का किसान यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, अब किसानों की जो मांगे हैं MSP को लेकर खासकर, वो पिछले साल सरकार ने झूठ बोलकर जो वादे किए थे, जिस तरीके से झूठ बोलकर लगातार सत्ता में आई है सरकार, दो बार आ चुकी है और झूठे वादे करके किसानों को बहकाने की जो कोशिश की जा रही है, ये वही किसान है जिन्होंने देश को भगत सिंह दिए हैं, शहीद उधम सिंह दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए हैं, तो जो अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ सकते हैं उनके लिए छोटी मोटी सरकारें कुछ भी नहीं है। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया है और भारत से 1947 में विदा कर दिए गए थे, ये वही लोग हैं जो लंदन में घुस के घर में घुस के मार के आए थे, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं आप, दूर दूर तक किसान बैठा हुआ है, किसानों को उनकी मांगे, किसानों के जो मांगे हैं उनको नहीं मिल रही हैं, उनको MSP की गारंटी के कानून नहीं मिल रहे हैं, फसल के मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, फसल के रेट नहीं मिल रहे हैं, दिन रात 24 घंटे किसान मेहनत करके पूरी दुनिया को अनाज दे रहा है, खाने के लिए भोजन दे रहा है, उसको उसके जो चीज़ चाहिए उसको नहीं मिल रही है, पेट्रोल डीजल के भाव तो बढ़ा दिए लेकिन गन्ने की पेमेंट, गेहूँ के रेट, धान के रेट नहीं बढ़ाए गए, व्यापारियों के साथ जो प्यार है वो थोड़ा बहुत किसानों के साथ भी कर लिए जाए तो देश का किसान भूखा न मरे और ना ही आत्महत्या करे। जुड़े रहिएगा गांव गुआंड के साथ, सारा दिन हम यही रहेंगे और लगातार रहेंगे, जिसमें तुम हो रोक लियो।